अगली खबर आपको बता दें, आजम खान केस में सुनवाई होगी आज। आपको बता रहे हैं सेशन कोर्ट में होगी केस की सुनवाई। आजम खान के अपील पर होगी सुनवाई, 15 नवंबर को होने वाली सुनवाई आज है। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई की बात सामने आई है। आपको बता दें हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, 27 अक्टूबर को सुनाई थी 3 साल की सजा। आजम खान की जो विधायकी है, विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी विधायकी रद्द कर दी है। आपको बता दें आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आपको बता रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को कहा आज ही करेंगे सुनवाई। बड़ी खबर आजम खान को लेकर आपको बता रहे हैं, आजम खान केस की सुनवाई आज होने वाली है। ज्यादा अपडेट लेंगे अश्विनी से इस विषय पर। जी अश्विनी, जिस तरह से बहुचर्चित आजम खान की और केस की बात की जाए तो सेशन कोर्ट में आज उनकी सुनवाई है जो कि 15 नवंबर को होने वाली थी, वो आज ही होने वाली है। और जिस तरह से 27 अक्टूबर को उनको 3 साल की सजा सुनाई थी, फिर उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या पूरा मामला है ये? बिल्कुल, वाकई तो आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में डीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी की थी, जिसके बाद ये मामला एमपीएमएलए कोर्ट में गया था। और उसके बाद 27 तारीख को, यानी कि 27 को उनको जो है 3 साल की सजा सुना दी गई थी और उसके बाद इसकी विधायकी जो है सदस्यता रद्द हो गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर अब अधिसूचना जारी होना था और आजम खान 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 15 नवंबर का डेट दिया था कि 15 नवंबर को सुनवाई होगी। लेकिन कल जब जिस तरीके से उनके पक्ष में एक अच्छा राज बड़ा फैसला आया कि निर्वाचन आयोग को जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि अभी जल्दीबाजी ना करें, कल आजम खान को लेकर सुनवाई होगी और उसके बाद अधिसूचना जारी किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने थे जिसमें रामपुर भी एक सीट था, लेकिन आज एक दिन का अंतिम दिन है, एक आखिरी मौका जो आजम खान को मिला है कि 15 नवंबर की जगह पे आज की ही आजम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि आज फैसला भी आ सकता है। तो आजम खान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक तो उनकी विधायकी तो चली गई है, लेकिन वहीं अगर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आता है तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए काफी, अगर उनके पक्ष में आता है तो काफी राहत भरा होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो रामपुर की सीट पर चुनाव भी होगा, साथ ही साथ उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। हालांकि जिस तरीके से एमपीएमएलए कोर्ट में जब वो फैसला आया था हेट स्पीच को लेकर, उसके बाद ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन अचानक से पूरा एक, अगर हम बात करें तो माहौल बदल चुका है, क्योंकि 15 नवंबर को ये सुनवाई होनी थी और जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कल ही उनके पक्ष में एक फैसला सुनाया था, उसके बाद आज का दिन को दिया है कि आज उनके मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो आज आजम खान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता जो है वो भी बचेगी, साथ ही रामपुर पर सीट पर चुनाव नहीं होंगे। लेकिन अभी आज के सुनवाई के बाद ही कहना होगा कि किस तरीके का फैसला होगा। लेकिन सबसे बात है कि आज पूरे सभी की निगाहें आजम खान के फैसले पर लगी हुई है कि अचानक से ये जो माहौल बदला है कि 15 नवंबर की जगह पे आज उनकी सुनवाई होगी और इसमें क्या फैसला आएगा। तो निर्वाचन की तरफ से भी नजर थी, क्योंकि निर्वाचन विभाग को भी कल नोटिस दिया गया था कि अभी अधिसूचना नहीं जारी किया जाएगा जब तक पूरा फैसला इस पूरे मामले पर नहीं आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर ही उपचुनाव होंगे, रामपुर सीट का पर जो उपचुनाव है वो फैसले के बाद होगा। बिल्कुल ठीक जानकारी अश्विनी, जिस तरह से ये बहुत ही देखने वाली बात है कि जो 15 नवंबर को फैसला आने वाला था वो अचानक से आज आने वाला है और अब इनकी विधायकी चली गई है और इसके बावजूद भी किस तरह से इनका भविष्य है और क्या पूरी जानकारी आज सामने साफ हो जाएगी। आपका शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सारी खबरों पर और सारी जानकारी हमारे साथ साझा कर